विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक बोले, राम जन्मभूमि पर राम मंदिर ही बनेगा, धर्म संसद में तय होगी रणनीति। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक ने कहा कि आने वाले समय में विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने को लेकर अपनी आने वाली बाधाएं दूर होने की उम्मीद करती है। उन्होंने कहा, केंद्र में दोबारा बनने वाली भाजपा सरकार समान नागरिक संहिता का नाम बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि के मामले को लेकर दो माह पर काम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेडिएशन को लेकर हमारी सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन के आगामी रूपरेखा को लेकर 19-20 जून को हरिद्वार में होने वाली धर्म संसद में संसदों द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व बेहिप के लिए आगामी रणनीति तैयार करेगी। सुनिए क्या बोले विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक। सुंदरनगर आना विश्व हिंदू परिषद के सांगठनिक प्रवास के लिए। मई जून में सारे देश में हमारे 10 दिन के शिक्षा वर्ग लगते। विश्व हिंदू परिषद के अलग, दुर्गा वाहिनी के लिए अलग और बजरंग दल के अलग। सवेरे 4:30 बजे सब लोग उठते हैं और रात को 10:30 बजे तक अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेकर के अपनी शारीरिक बौद्धिक शक्ति को बढ़ाते, चीज़ों को समझते हैं और अपने को योग्य कार्यकर्ता बनाते हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के 110 चुने हुए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण यहाँ इस मंदिर के परिसर में हो रहा है। मैं उसके लिए यहाँ आया था। जाते समय कीरतपुर रुकूँगा, गुरुद्वारे के दर्शन करने का परिणाम ऐसा आया है। हम लोगों ने अपना राम जन्मभूमि का आंदोलन 4 मास के लिए स्थगित किया था। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने इसके लिए दोबारा प्रयत्न शुरू करना है। 19 और 20 जून को हरिद्वार में धर्म संसद होगी, उसमें आगे के कदम तय करेंगे। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित मीडिएशन चल रहा है, वह मीडिएशन परिणामकारी हो ऐसा हमारा प्रयत्न है। भूमि पर राम मंदिर बनेगा, इस प्रश्न पर कोई दो विचार नहीं हो सकते। और अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा में, वहाँ मुसलमानों की कोई बड़ी जनसंख्या नहीं है, इसलिए वहाँ किसी नई मस्जिद की आवश्यकता नहीं। इन दो बातों पर अडिग रहते हुए कोई रास्ता निकलता है तो रास्ता निकलेगा।